देखिए चुनाव चुनाव नहीं है, मामूली चुनाव नहीं है और 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और ये ऐसा चुनाव है जिससे आप अपने भविष्य को बना सकते हो, देश के भविष्य को बना सकते हो। ये चुनाव केवल रणधीर जी को जिताने का नहीं है, पार्टी को जिताने का नहीं है, गठबंधन को जिताने का नहीं है, ये चुनाव है देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का और लालू जी और प्रभुनाथ जी को न्याय दिलाने का। देखिए ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में आपके नेता हमारे पिता लालू जी आप लोगों के साथ शारीरिक तौर पे नहीं है। ये पहला ऐसा चुनाव है। क्यों नहीं है, कौन कौन लोग साजिश रच करके फंसाया, भाजपा वाला लोग और पलटू चाचा सब लोग मिलकर के, क्योंकि भाजपा वाला मोदी जी अगर सबसे ज्यादा घबराते हैं डरते हैं तो लालू जी से डरते लोग जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में डर नहीं जो हमारे संविधान को बदल सके। आप लोग देखिए समय एकदम 5 मिनट है, आप लोगों के बीच हम हमेशा आते हैं रहेंगे और आप लोगों की समस्या को भी हम लोग सुनने का काम करते हैं। लेकिन 2014 याद कीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी हर हर मोदी घर घर नेता जी का भाषण है वो आप ही सुनिएगा, सब कोई सुनेगा। गरीबी को मिटाएंगे, महंगाई कम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, एक काम अगर मोदी जी आए ना तो बचा दो। जयंत जी का मोबाइल है, जयंत जी का किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एक काम जो है मोदी जी ने हीरो मत बनिए। अरे सर पूछ दो हक्के में क्या कहना चाहते हैं, खेल के बाद हो गया सर, हो गया सर। अब जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में ना तो तारीख पे होता ना तो सुनवाई होती, सीधे फैसला होता है और फैसला और न्याय आप लोगों को करना और न्याय आप लोग कीजिए, देश के संविधान को बचाइए। आज जो लोग सत्ता में बैठे वो अंग्रेज की चमचा के लगे बैठे, अंग्रेजों के गुलाम थे और आज वही लोग बैठ करके देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था, नाथूराम गोडसे, अब मोदी जी उसी का पूजा करते। राम जी का मंदिर नहीं बना लेकिन नाथूराम का बन गया, समझिए इसका बात। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान के जगह पर नापूर्या कानून को लागू करना चाहते और यहाँ पलटू चाचा बीजेपी की सरकार केंद्र में बोलता है डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में दूसरा इंजन भ्रष्टाचार। पलटू चाचा ने एक काम किया कि शराबबंदी ऐसा कराए कि घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, ऑनलाइन हो गया सर, ऑनलाइन 500 में, 1000 रुपए में, 1500 में, फर्क क्या है? शराबबंदी होने के बाद फर्क ये है कि दारू पहले से महंगा भी, ये महंगा जानबूझ के किया गया है। अरे हमारे पलटू चाचा नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की, अपना पॉकेट भरने के लिए शराब, 200 रुपया 1500 1300 है, 1300 रुपया कमीशन वाला पलटू चाचा के पॉकेट में जा रहा है। कागज पे बंद कर दे शराबबंदी, अब पीछे से माफियाओं के साथ मिलकर के वही 200 रुपए का बर्गर 1500 का पीछे। रेलवे ढाला सर टूट जा रहा है, रेलवे ढाला, हमको तो तरस बिहार पुलिस का आता है, ये लोग हमको बहुत हमदर्दी है बिहार पुलिस, वो भी क्यों ना पलटू चाचा बिहार पुलिस का हाथ को बांध दिए,
पुलिस का क्या काम होना चाहिए? अपराधी को पकड़ो, चोर को पकड़ो, बलात्कारी को पकड़ो, हत्यारों को पकड़ो, तो बिहार पुलिस सुनले चला के शराबी मतलब अपराधी सब हो गया है मस्त क्योंकि बिहार पुलिस शराबी को पकड़ने आया पास मुख्यमंत्री बना है चोर दरवाजे से वो क्या बोला ऐसे हाथ जोड़ करके अपराधी का छोड़ दीजिए अब अपराध थोड़ा कम कर दीजिए बताओ ऐसा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अगर रहेगा तो बिहार पुलिस का मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आजकल तो पुलिस वाला लोग का इंक्रम कर आज के न्यूज में हमने देखा सुशील मोदी की सभा के एकदम बाजू में एक हत्या हो गई तब बाजू में तो अपराधियों का बोलबाला हो रहा है सृजन घोटाला और बालिका गृह मुजफ्फरपुर का पलटू चाचा का घर था जो पलटू मारा अरे पलटू का चोर है क्या बोलते थे कि भाजपा में मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाएंगे बोलते थे कि नहीं बोलते बोलते थे भाजपा में तो मिल रहे हैं मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी है बात यहाँ पर भाजपा वाला नहीं ना है बोला तो बोलेगा एक आध तो घुसने होगा देना होता बोले ना भाई नया दिवाली का चुनाव है पिंटू नंबर वन बोलना क्या है सुनिए आप देखिएगा कि कोई भाजपा वाला अगर लालू जी का नाम सुन ले और देख ले तो ऐसा लगता लकवा मार आप देखिएगा यहाँ पे भाजपा वाला होगा ढेर लोग बात कहिया है हम लोग एक आध को नजर आ रहा है कोई भाजपा वाला है तो कान खोल करके सुन ले और साफ कर ले अच्छे से मैं सोचता है कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे और अपने इरादे मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे तो ये गलत फहमी में मत रहना लालू जी को भले ही साजिश के तहत तुमने बंद किया लेकिन लालू जी का बेटा भी यही खड़ा है इतना समझिए अगर हमारे संविधान पे अगर आज चाहिए बुरी नजर से देखोगे तो अंजाम बुरा होगा पूरा बात नहीं समझ में आ रही है तो सामने आ जाओ मैदान में माँ का दूध पियो तो दो दो हाथ कर लालू जी को न्याय दिलाइएगा ना वोट कटवा लोग हैं खड़ा हाथी पर वीर भैया जी समझ गए कि नहीं समझ गए समझ गए तो हाथ उठा के बता दीजिए सब समझदार लोग ठीक है मेरे साथ नारा लगाइएगा हाथ उठा करके बोलेंगे भाजपा लगाओ सब पकड़े रहे आप पकड़ना नेट का जमाना पीछे वाले लोग तो
नौजवान है तो कोई मोदी जी रोजगार दे दिए क्या कोनो महंगाई कम कर दी क्या ना कर्जा माफी कर दी ए लोग सुनो उधर चलिए ना सुनो क्या हो गया जिंदगी का पता यार में कितनी बुलंदी है हाथ उठा करके बोलेंगे हम बोलते हैं भाजपा बनाओ चाची 400 की अभी देख रहे चाचा 400 की अरे बड़का भारी लालची है डरपोक है कुछ नहीं कहेंगे हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ बिहार बचाओ बिहार बचाओ ठीक है ना पलटू चाचा भगाओ आप लोगों की अनुमति हो तो रणधीर जी को विजय कमान पहना रहे हैं।